गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर वन है हमारा उसमें देर आर सर्टन पॉइंट्स जो हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे मैसेज मिले कि सर दी दीज आर दी पॉइंट्स और एक बार आप फिर से एक अच्छी तरह से उसको रिवाइज कर दो ठीक है तो वीडियो में ये वाले वीडियो में उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं ठीक है थीके? लिमिटेशन है बराबर तो आज लेते हैं ये वाले वीडियो में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अब वो तो हमें पता ही है कि एज अकाउंटिंग इज कंसर्न कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड द ट्रांजेक्शन विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड बट देर आर सटन ट्रांजेक्शन लेस्टे के एग्जांपल गुड्स परचेज ठीक है फिर एसेट परचेज और सेल ठीक है देर आर सटर ट्रांजेक्शन विज ए ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉई ठीक है लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉई देर आर सटन ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें दे दे आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड और कंसिडर इन अकाउंटिंग क्योंकि उनके आप वैल्यू नहीं निकाल सकते अब निकाल हो अब ऑनेस्ट की वैल्यू क्या निकालोगे आप कितने ऑनेस्ट हो कोई इंप्लॉई कितना ऑनेस्ट है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो फ्रेंड्स तो फिर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो फिर रिकॉर्ड कैसे करोगे फ्रेंड ठीक है सेकंड लिमिटेशन है अकाउंटिंग की फ्रेंड्स स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी यानी जो मनी है ना उसकी वैल्यू स्टेबल ही रहती है लेट्स टेक क्या आपने मान लो कि फाइव इयर्स पहले फिफ्टी थाउजेंड की आपने कोई फिक्स एसेट परचेज़ की है लेट्स टेक एग्जांपल बिल्डिंग परचेज की है आपने बिल्डिंग परचेज की ठीक है अब आफ्टर कंप्लीटिंग टेन इयर्स आप फिर से वो बिल्डिंग परचेज करने जाओगे तो जो आपको फिफ्टी थाउजेंड में मिली थी वो तो फिफ्टी थाउजेंड में मिलेगी नहीं बिकॉज रीजन ऑफ इन्फ्लेशन तो सीधी बात है कि आपको उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं बट जो मनी का वैल्यू है वो तो फिफ्टी थाउजेंड ही रहने वाली यानी फाइव हंड्रेड की जो नोट्स होगी ठीक है जो फाइव हंड्रेड रुपीज की नोट्स है उसकी वैल्यू आज के डेट में फाइव हंड्रेड रुपीज ही है और आफ्टर कंप्लीटिंग फाइव ईयर या टेन इयर्स वो नोट की वैल्यू फाइव हंड्रेड ही रहने वाली है पर आप आज के दिन में ठीक है एट प्रेजेंट यू आर परचेजिंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम फाइव हंड्रेड रुपीज हो सकता है इन फ्यूचर आप वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ में उतनी चीज़ें उतनी क्वान्टिटी में आप परचेस ना कर पाओ ठीक है यानि वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल यहाँ पे तो फिर तो वो कंसिडर होता ही नहीं है अकाउंटिंग में ठीक है डन तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई हमारी अकाउंट्स में नेक्स्ट फिर जो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है और इवेंट्स है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि देरार्टन ट्रां ट्रांजेक्शन है जो आप उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत सारे होते हैं अब आप कोई कुछ भी ले, ले सकते हो आप अब इन पास्ट देर आर सटन आप मिस्टेक्स आपने कर दी हो तो फिर आप उसको अब वो आप पास्ट में जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकते जो एंट्री अकाउंट्स में चली गई वो चली गई फिर आपको क्या करनी पड़ेगी एक दूसरी एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी एट प्रेजेंट वो वाली अकाउंटिंग एंट्री को आप ठीक है डिलीट नहीं कर सकते अकाउंट्स में एक बार एंट्री चली गई वो चली गई देर आर सर्टन ट्रांजेक्शन विच आर यूजफुल टू टेक अ डिसीजन फॉर फ्यूचर पर्पज बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड ठीक है वही है दे आर नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ठीक है तो फिर ये भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड नहीं कर फिर एवोडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू अब ये भी होती है कई बार बिजनेस में जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है ना बराबर किप चेंजिंग क्या वो ऊपर नीचे चलती ही रहती है ठीक है अब अब तो सीधी बात है कि मार्केट में वैल्यू तो चेंज होती रहती है बट एज़ फार एज अकाउंटिंग इज़ कंसर्न उसको आप इग्नोर करते हो ठीक है और ऑल द एसेट्स ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है तो फिर तो मार्केट वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है फिर आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ती है यानी रिवैल्यूशन की एक और एंट्री डालनी पड़ती है बट जब रिकॉर्ड करोगे तब कॉस्ट प्राइस पे ही होगा यानी आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो यानी इग्नोरेंस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फिर यूज ऑफ एस्टिमेट्स यहाँ यानी आप एस्टिमेट्स जो भी लगाते हो अब एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न अब कई बार आपको जो आपके बैड डेफ रिजर्व है ठीक है बहुत सारे आप जिसका भी आप डेटर यानी आप उस जिसका आप उसको फिक्स करते हो या इसका एस्टिमेट लगाते हो तो आपके एस्टिमेट कई बार रॉन्ग होते हैं अरे एस्टिमेट है ना दे आर नॉट फैक्ट एस्टिमेट्स तो रोंग हो ही सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है उसमें तो, तो बहुत सारे एस्टिमेट्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे तो ते, 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 अब नाउ होज फार एज अकाउंट इज कंसर्न देर देर आर सर्टन एंट्रीज विच आर गिवन इन अकाउंट आ टोटली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स अब आप बेड डेप्स रिजर्व को आप जब एस्टिमेट लगाओगे हमें क्या पता कितनी बेड डेप्स आने वाली है वी आर कीप सर्टन परसेंट ऑफ बेड डेप रिजर्व अब उससे ज़्यादा भी बेड डेप रिजर्व आ सकती है उससे कम भी आ सकती है तो फिर तो जो भी मान लो कि कोई मिस्टेक्स हुई है तो तो वो तो मिस्टेक्स हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगी हो ही होगी वो दिखाई देगी है. पर बस दिस काइंड ऑफ एस्टिमेट्स जो भी आप कर रहे हो पर वो टोटली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ही हम कर रहे थे होते हैं सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक रिमेंस मिनिमम में क्योंकि मिस्टेक्स होगी पर उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स मिनिमम हो जाएगी रीजन क्या है क्योंकि हम जो भी एस्टिमेट्स लगाएंगे और टोटली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ठीक है नेक्स्ट ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ठीक है अब जो अकाउंट्स है ना फ्रेंड्स उसमें दो इम इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं हमारे ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से माइंड में रखना है वैसे तो ईजी आप रीड करके भी आपको एक बार में पता चल जाएगा ये जो टॉपिक से जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पर फिर भी आप ध्यान से सुनना और एक बार अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर यानी पढ़ लेना ठीक है अब देर आर टू मेन कॉम्पोनेंट एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न ध्यान से सुनना फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा फर्स्ट नंबर का हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड बराबर बैलेंस शीट ये दोनों के दोनों यानी ईच एंड एवरी बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड तो लॉस अकाउंट गा एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर ठीक है अब जो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है विच आर ऑल्सो नोन एज अ इनकम एंड वो इनकम का हमारे पास एक स्टेटमेंट है अब वो विच आर प्रीपेड ऑन करंट प्राइज यानी जो भी वैल्यू अभी चल रही है वाइल आइटम्स ऑफ बैलेंस इट आर डिस्कलोज एट दर ओल्ड प्राइजेस यानी हिस्टोरिकल प्राइजेस एन ए नाउड आप बोल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे, यानी पी एंड एल में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो करंट प्राइस पे और बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो हिस्टोरिकल प्राइज पर यानी जो ओल्ड प्राइज होती है वही तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्पेरिटी प्रिव यानी वो कोई एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं रहे अब इंस्पाइट ऑफ हैविंग दिस लिमिटेशन जो ओनर होते हैं बिजनेस के इवन जो गवर्नमेंट होती है और अदर पार्टीज विच आर विच हैव ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर ओनर्स ऑफ ए बिजनेस देर आर वेरी पार्टी वेरियस पार्टीज जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है गवर्नमेंट अदर शेयर होल्डर्स ठीक है आपके इन्वेस्टर हो गए आपके क्रेडिटर्स हो गए आपके डेटर्स वो दीज ऑल आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड विथ योर बिजनेस तो जो भी भी है तो दिस लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट वर्क एज अ हर्डल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग यानी फिर तो उन्होंने ये कंसिडर अकाउंट्स की ये लिमिटेशन है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर ले कर लेना ही पड़ेगा और वैसे वो हर्डल रहती नहीं है ठीक है तो बिसाइड द लिमिटेशन कैन बी रिमूव्ड बिकॉज अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप यानी फिर वो रिमूव हो जाती है एंड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आर साइंस आर्ट यानी अकाउंटिंग एक साइंस आर्ट है फिर वो आप बहुत सारे आप तो नावे डेज तो अकाउंट्स डेवलप होता जा रहा है और कॉमर्स के लिए यानी ट्रेड के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ठीक है तो आपकी अकाउंटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ठीक है तो इसको अच्छी तरह से आप फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना ठीक है